अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सनराइज मैथमेटिक्स लेवल 3 यूनिट 9 मनी. तो स्टूडेंट्स, मनी क्या होता है? मनी कहते हैं पैसों को, ठीक है, रुपीज़ को, पैसों को. तो हर कंट्री की डिफरेंट मनी होती है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर और पाकिस्तान में रुपया, पैसा, इस तरह, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूनिट 9. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी, एडिशन ऑफ मनी, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मतलब मनी को ऐड करना और सब्ट्रैक करना, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है. एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड्स प्रॉब्लम भी हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी. नेक्स्ट, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ मनी, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी की, डिवीजन ऑफ मनी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ मनी. तो सर, अब हम स्टार्ट करते हैं. ओपन द पेज नंबर 111. तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ड्स प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिवीजन ऑफ मनी सॉल्व किए थे, मनी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ मनी. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिवीजन ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरीके से अब हमने डिवीजन ऑफ मनी के वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर ए में टोटल 7 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1, रिहान डिस्ट्रीब्यूटेड 300 पैसास इक्वली अमंग 6 बॉयज, हाउ मच डिड ईच बॉय गेट? तो फ्रेंड्स, ये भी सेम उसी मेथड से है कि रिहान ने डिस्ट्रीब्यूट किए 300 पैसास इक्वली अमंग 6 बॉयज. तो फ्रेंड्स, हम इसको डिवाइड कर देंगे सेम उसी तरह, डिवीजन 300 के साथ, 300 को 6 के साथ. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, ठीक है, 6 fives are 30. तो स्टूडेंट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया 0, और ये जब 0 नीचे आएगा तो इट मीन्स हमने 6 zeros are 0s और हमारे पास रिमेनिंग 0. इसमें इसका मतलब कि उसने, रिहान ने डिस्ट्रीब्यूट किए 300 पैसा 6 बॉयज में, तो हर एक बच्चे को कितने पैसा आए? 50 पैसा. तो आंसर आ जाएगा 50 पैसा. सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. आमना परचेज 9 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹81. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम? मतलब उसने 9 आइसक्रीम खरीदी लेकिन और उसने 81 रुपीज़ दिए. अब हमने देखना है कि 1 रुपीज़ की कॉस्ट कितनी है. तो फ्रेंड्स, हम इसको भी डिवाइड करेंगे सेम उसी तरह. हमने 81 को डिवाइड किया 9 के साथ, 9 9 ज़ा 81, ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 81 में से 81 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 रिमाइंडर आ गया. तो फ्रेंड्स, आंसर आ गया कि रुपीज़, मतलब एक आइसक्रीम कितने रुपीज़ की है? ₹9, ठीक है. तो ये आंसर आ गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. 8 पॉकेट्स ऑफ चिप्स कॉस्ट ₹160. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पॉकेट? तो फ्रेंड्स, 8 पॉकेट्स सॉरी 8 पैकेट्स ऑफ द चिप्स कॉस्ट ₹160. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट? तो फ्रेंड्स, 160 मतलब उसने रुपीज कॉस्ट है टोटल 8 पैकेट्स की. तो फ्रेंड्स, हमने 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 8 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे. 8 ones are 8, 8 twos are 16, ठीक है, 16. और फ्रेंड्स, से 0 नीचे आ जाएगा, 8 zeros are 0. तो रिमाइंडर में भी 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया ना, फिर हम ये वाला भी नीचे 0 लेके आ गए, 8 zeros are 0, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 0. तो फ्रेंड्स, आंसर आ गया ₹20, मीन्स कि एक पैकेट कितने रुपीज़ का है? ₹20 का. तो फ्रेंड्स, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 आपने खुद सॉल्व करना है. ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.